2024-25 অর্থ বছরে জনকল্যাণমুখী বাজেট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। বুধবার সংসদে বাজেট অধিবেশনে শ্রী দেব বলেন, নরেন্দ্র মোদী 2014 সালে দেশের দায়িত্বভার হাতে নিয়েছেন, তারপর থেকেই দেশ আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটাই উন্নত হয়েছে। তার কথায় 2024-25 অর্থ বছরে প্রায় 48 লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। গত বছরের বাজেটের তুলনায় 18.2% বেশি মূলধনি ব্যয় ধরা হয়েছে। মূলধনি ব্যয় বেশি ধরা হলে দেশের সরকারি এবং পরিকাঠামোর দিক দিয়ে অনেক সুবিধা হয়। বাজেটের সব অংশে লোকেদের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রেখে দেশকে নতুন দিশায় নিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। আমার এই দলকে সবচেয়ে বড় নেতা দেশকে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় নরেন্দ্র ভাই মোদী জী কা আভার প্রকট করতা হুঁ। और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरीके से इस बजट को प्रस्तुत किया है, मैं इसका सराहना करता हूं और इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। लगभग 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। 2023-24 से लगभग 18.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता है और साथ साथ जो हमारे फेडरलिज्म के बारे में, स्टेट के बारे में बताया जाता है। मैं निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं, आपने ऐसा बजट पेश किया जिसमें 4,82,000 करोड़ रुपए सभी राज्यों को शेयर ज्यादा जाएगी इस बजट से। इसलिए जो शैलजा जी ने दो राज्य के बारे में बात कर रहे थे, हो सकता है कांग्रेस के खाते में बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं है, हमारे खाते में ये दोनों भी है, बाकी सब भी है। এদিন তিনি আরো বলেন, এই বাজেটের মাধ্যমে দেশের সব রাজ্য 4,82,000 কোটি বেশি পাবে। জনকল্যাণমুখী বাজেট পেশ করার জন্য অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি 5 বছরের সময়কালে 4,01,00,000 যুবক যুবতীর জন্য কর্মসংস্থান, দক্ষতা এবং অন্যান্য সুযোগ দেওয়া হবে। जो सर्वांगीण विकास और उस तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोक किया है, ২০১৩-১৪ के बजट जो 16 लाख करोड़ के आसपास होती थी, कांग्रेस के लास्ट जो बजट है, और आज वो 48 लाख करोड़ में पहुंचा हुआ है। 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्न अवसर पर मुहैया कराया जाएगा। सुनते सुनते मेरा तो 52 साल क्रॉस के 53 में पहुंच गया हूं। किंतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को, जो आपने ऐसा एक बजट पेश किया जिससे युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर आया है, गारंटी के साथ। मोदी के गारंटी के बारे में बात हो रहा था, गारंटी है मोदी का, अभी भी है, इस बजट में भी है। পাশাপাশি দেশের গ্রাম এবং গরিবের উন্নতির পথে এই কেন্দ্রীয় বাজেট এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায় আরও 5 বছর বিনামূল্যে রেশন প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে দেশ দুগ্ধ উৎপাদনে সর্বপ্রথম, কিন্তু কংগ্রেসের আমলে দেশ দুগ্ধ উৎপাদনে সর্বপ্রথম ছিল না। চাল ও গম উৎপাদন দেশে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তার কথায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মহিলাদের সশক্তিকরণের উপর জোর দিয়েছেন। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য 33% আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ভারত দুগ্ধ উৎপাদন দুনিয়া মে নম্বর ওয়ান হ্যায়।
कैसे हुआ? किसान के लिए नहीं काम करता? पहले कांग्रेस के जमाने में तो नंबर वन में था नहीं, था क्या? जरा मुझे डेटा दिखा दीजिए, मैं अध्यक्ष जी को बोलता हूँ डेटा मांग लीजिए। 2014 के पहले दुग्ध उत्पादन में देश का स्थिति क्या थी? आज दुग्ध उत्पादन में नंबर वन है, मोटे अनाज उत्पादन में नंबर वन है, चावल और गेहूं उत्पादन में नंबर टू है। तो मोदी जी ने काम नहीं किया किसानों के लिए। फल ये जो खेती में फलन कहाँ से आता है? पाकिस्तान से तो नहीं आता होगा। आपके पार्टी के लोग उस समय सोनिया जी 33% रिजर्वेशन का बिल लाना चाहते थे, फार के फेंक दिया था स्पीकर के सामने। दो दो महिला इंदिरा गांधी जी और सोनिया जी इतना प्रभावशाली और यूपी के चेयरमैन होते हुए चाहने के बावजूद भी महिला के लिए आरक्षण 33% नहीं लाया जाया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मैं गर्व करता हूं, दोनों हाउस में महिला आरक्षण बिल लाने में सफल रहा और करके दिखाया। और 2026 में उसमें 33% रिजर्वेशन लाके 29 में वही महिला बहनों को दोनों इस हाउस में लाया जाएगा। मेरे मित्र এদিন তিনি বলেন, তৎকালীন সময়ে কেন্দ্র কংগ্রেসের সরকার থাকাকালীন ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে কংগ্রেসকে মসনদ থেকে সরিয়েছিল, নিজেদের মিত্রতা রক্ষার জন্য ত্রিপুরায় সিপিএমকে বসিয়েছিল। তার কটাক্ষ পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির ওপর একাধিকবার সিপিএম আক্রমণ চালালেও এখন তারা একসাথেই জোট করেছে। মমতা দিদি নেবে কংগ্রেস কো ইসলিয়ে ছোড়া থা, সিপিএম কে এসা ছোড়া থা, কিউকি কুছ তরবুজ দিদি কে সাথ থি, ইসলিয়ে দিদি নে ছোড় দিয়া, छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाया। और दीदी को एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों ने, कम्युनिस्ट के सत्ता के समय दीदी को माता फटा के 28-29 सिली लगी थी। दीदी को एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस आज जो साथी है वही लोगों ने स्ट्रेचर पे दीदी को एक रिक्शा वाला ने उठा के लाया था। मैं झूठनी दादा, मैं सच बता रहा हूं, आज उनके साथ आप बैठे हो। जिसने दीदी का माथा फटाया उसके साथ बैठे हो। दीदी देख रहा है, इसलिए दीदी बंगाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए बंगाल में दीदी में दम था, इसलिए इन लोगों के साथ नहीं किया। आप इनके साथ बैठते हो दादा, दादा आपको यहाँ सुंदर नहीं लगता? दादा आप इधर बैठो, कल्याण दादा नाम कल्याण है, कल्याण करो, इधर आओ। और मोदी के साथ ही कल्याण कर सकते हो, यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। यहाँ एक परिवार से गांधी परिवार का कल्याण करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं जिस स्टेट से आता हूँ त्रिपुरा, सुन लो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस स्टेट से आता हूँ उसमें भी एक बार मिडिल में कम्युनिस्ट के मिडिल में कांग्रेस के सरकार आई थी। अपने ही सरकार राष्ट्रपति शासन जारी करके कांग्रेस ने वहां सीपीएम को बैठाया अपना मित्रता रखने के लिए। और वहां मेरे छोटा सा स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू किया और बैठा दिया सीपीएम को। ये काम क्या है? তার দাবি 2047 সাল পর্যন্ত দেশে বিজেপি থাকবে, 400 বেশি আসনে বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসবে। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং আসাম থেকে রাজ্যসভা সাংসদ হয়েও একবারের জন্য ত্রিপুরায় আসেননি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মোট 90 বার উত্তর পূর্বাঞ্চল সফর করেছেন। আসাম সে রাজ্যসভা এমপি রহে ও গগৈ জি ইয়াহ বেঠে হুয়ে, আসাম সে হি রাজ্যসভা এমপি রহে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং 10 সাল, किंतु नॉर्थ ईस्ट में एक बार भी नहीं गए। मेरे स्टेट में तो मैंने फोटो भी नहीं देखा उनका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तक नॉर्थ ईस्ट में 90 बार जा चुके हैं, मंत्रिपरिषद में बैठे हुए 700 बार नॉर्थ ईस्ट में प्रवास किया है। और आज नॉर्थ ईस्ट के राज्य 85% ज्यादा किसी जो उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। मेरे में
বাইট। ব্যুরো রিপোর্ট আর ই নিউজ।